हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के उस टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरीके से इसको लर्न करें। तो यहाँ पर मैं आपको आज लर्न करने का लॉजिक बताऊंगा किस तरीके से इसको लर्न किया जाता है। आपको बस साइन की वैल्यू को याद करना है, बाकी सब वैल्यू को आप बायोलॉजिकली लिख सकते हो। मैं ठीक है, मैं उस चीज़ को बताऊँगा। तो जैसे यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें बस आपको सिर्फ लाइन एक वाला लर्न करना है, बाकी सब को आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो आपको लर्न होना चाहिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। आपको कुछ चीज़ें याद लर्न होनी चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड होनी चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। आपको ये भी फाइंड होने चाहिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपन सेक थीटा होता है। आपको ये भी फाइंड होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वन टू वन अपन कॉट थीटा होता है। ये सब चीज़ें आपको फाइंड होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर आपको यही याद होना चाहिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको इतने तो पता होना ही चाहिए। अब जैसे कोई आपसे पूछ दे कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो आपको बस फर्स्ट लाइन लर्न होना चाहिए। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन थर्टी की वैल्यू जो होती है वन बाई टू होती है, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू जो होती है वन बाई रूट टू होती है, इसी तरीके से साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है तो थ्री बाई टू होती है, साइन नाइन्टी की वैल्यू वन होती है। बस आपको यही लर्न होना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को आप आसानी से लर्न कर सकते हो। और ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, तो आप सिर्फ साइन की वैल्यू से ही इन सब टेबल को फिल कर सकते हो। सिर्फ टेबल को फिल नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चंस में इन सारे वैल्यू को अप्लाई करने के लिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे बोल दी कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बोल सकता हूँ जो साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है वही कॉस जीरो की वैल्यू होती है। तो साइन नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है, वन, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन। साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, तो वही कॉस थर्टी की वैल्यू होती है, रूट थ्री बाई टू। ऐसे ही जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है, वन बाई रूट टू। आगे बात कर लें कि जो कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, वन बाई टू। अब जो साइन जीरो की वैल्यू होती है वही साइन 90 की वैल्यू होती है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जब आपको फर्स्ट वाला साइन की वैल्यू याद है, तो कॉस की वैल्यू को आप आराम से फिल कर सकते हो। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप 10 की वैल्यू को यहीं से फाइंड कर सकते हो। जिससे कैसे, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर यदि आपको 10 जीरो की वैल्यू नहीं पता है, 10 जीरो डिग्री की, तो आप लिख सकते हो साइन जीरो अपान कॉस जीरो डिग्री। अब साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या है, जीरो है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, वन है। यानी जब हम जीरो में वन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए क्या होता है। जब जीरो में वन से डिवाइड करेंगे तो वन जीरो जीरो हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फाइंड करना हो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी, टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थर्टी अपन कॉस थर्टी। अब साइन थर्टी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू। डिवाइड करना है किस से, कॉस थर्टी से, तो कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू। इसको जब सॉल्व करेंगे वन बाई टू में, तो ये टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए। टू से टू कट गया, वन बाई रूट थ्री। इस तरीके से साइन थर्टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू जब देखेंगे हम लोग, तो साइन फोर्टी फाइव अपन कॉस फोर्टी फाइव होगा, तो साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, और कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होगी, वन बाई रूट टू होगा। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसी तरीके से बात कर ले हम लोग कि टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी, तो टेन सिक्सटी की वैल्यू जब हम बात करेंगे, तो टेन सिक्सटी इसका क्या हो जाएगा, साइन सिक्सटी अपन कॉस सिक्सटी, यही हो जाएगा। अगर हम टेन सिक्सटी की बात कर लें, तो टेन सिक्सटी इसका क्या होगा, साइन सिक्सटी अपन कॉस सिक्सटी। अब साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू। देख लीजिए ये होता है रूट थ्री बाई टू, डिवाइड करना है किस से, कॉस 60 से, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू होता है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो रूट थ्री बाई टू यहाँ से मिल जाएगा, और इंटू टू बाई वन मिल जाएगा, तो टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से आप लोग देखिए, समझ जाएंगे। साइन 60 अपन कॉस 60 था, तो साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, रूट थ्री बाई टू हो गया है। और डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है,
कॉस 60 से, तो कॉस 60 के लिए 1/2 होता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा 2 से 2 तो रूट 3 बच जाएगा। तो टेन 30 की वैल्यू क्या, टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम टेन 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, टेन 90 की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ये मिल सकता हूँ टेन 90 इज इक्वल टू साइन 90 अपन कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जब 1 में किसी भी 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तो क्या होता है, अनडिफाइंड आता है, देख लीजिए 0 से डिवाइड किया 0 1 जा 0, फिर 1 जाएगा 0 2 जा 0, फिर आएगा 1, मतलब बार बार ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से जब कॉट 0 की वैल्यू आएगी तो जो टेन 90 की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, कॉट 0 की वैल्यू, क्या होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जो टेन 60 की वैल्यू है वही कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 45 सेम होता है, जो टेन 30 की वैल्यू है वही कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी, 1/√3, क्लियर, और ये 0 हो जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लर्न नहीं करना, चीज़ों को आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है, और चीज़ों को जब समझ लेंगे आप आसानी से तो आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का आने वाला है, तो चीज़ों को क्या होता है कि करंट टाइम में बच्चों को वैल्यू नहीं याद होती है, तो वैल्यू को किस तरीके से याद करते हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बाई चांस एग्जाम में यदि 10:30 की वैल्यू पूछ दे और आपको नहीं लर्न है तो कहीं एक बीच में क्वेश्चन में आ गया, तो आप इस तरीके से करके 10:30 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, जब आपको कॉस 30 और साइन 30 की वैल्यू पता होगा। तो आगे बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग कि सेक 0 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी। सेक 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए, हमको कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब सेक किसका उल्टा होता है, देख लीजिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो जो कॉस की वैल्यू 0 है उसको 1/√3 में कर दीजिए तो आपको सेक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल दूँ सेक 0 डिग्री, तो मैं सेक 0 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 0 डिग्री। तो 1/cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या है आपका, 1 है, तो 1/√1 कट कर दीजिए क्या हो जाएगा, 1, मतलब sec 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको sec 30 की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, देखिए। इसी तरीके से जब sec 45 की वैल्यू आ जाएगी तो cos 45 की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, तो बाई 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। जब हम 60 की वैल्यू देखते हैं तो जो sec 60 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, cos 60 की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, ये 2/1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम sec 90 की वैल्यू बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग cos 90 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, cos 90 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो 1/√1 आगे बात करते हैं हम लोग sec 90 की वैल्यू के लिए, तो sec 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos 90। तो यहाँ पर क्या 0/1 लिखा है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। सेम ऐठे ही हम लोग cosec 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो cosec 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनडिफाइंड हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है, क्यों, क्योंकि 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर cosec 30 की वैल्यू तो इसका उल्टा कर दिए 2 हो जाएगा, cosec 60 की वैल्यू इसका उल्टा कर दीजिए, सॉरी 45 की वैल्यू √2 हो जाएगा, cosec 60 की वैल्यू फाइंड करना है इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर cosec 90 की वैल्यू फाइंड करना होगा तो cosec 90 की वैल्यू 1/√1 यानी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो, और एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस को फार्मूला लर्न करना आसान बात नहीं है, इसको एग्जाम में सही समय पर यूज करना आसान बात है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस चीज़ को आप खुद से तैयार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और मैं थोड़ा सा हर जगह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरीके से इसको फाइंड किया गया है। तो आप ऐसे अपने भी चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, 2-3 बार कर लेंगे तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ऐसे लॉजिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।